बदहवासी की हालत में उल्टा पड़ा रहा और मेरे साथ वो सब करते रहे जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, वो भी एक लड़के के साथ। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत, प्रैक्टिसिंग दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यह वीडियो उन यंगस्टर्स के लिए है जो इजी मनी कमाना चाहते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। दे डोंट नो द डार्क रियलिटी ऑफ दिस। वी आर नॉट गोइंग टू रिवील हिज रियल नेम। ही वॉज जिगोलो, मेल प्रोस्टिट्यूट एजेंट, साथों साथ सेक्सुअली असॉल्ट एंड रेप विक्टिम। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे हजारों वेबसाइट आपको एडमिशन के तौर पे आपको पैसे ठगती हैं और आपके साथ स्कैम करती हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे लोग इसके अंदर जाते हैं, फिर वहां से बाहर निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इन्होंने हमारी टीम को कॉल किया, हमने इनकी लीगल हेल्प की, इन्हें सारे रास्ते बताए और वहां से बाहर निकाला। आर यू कंफर्टेबल? थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि पहले कभी कोई सब बताया नहीं किसी को। आप पहले इंसान है जिनसे सब शेयर किया था। नर्वसनेस है, बस चाहता हूँ कि सब कुछ बता के आपको जल्दी ख़त्म करके सबसे उबर जाऊँ। तो ये शुरुआत हुई थी 2017 में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में ही छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक ई कॉमर्स। आपने जो पोर्टफोलियोज़ देखी होंगी, वेबसाइट्स देखी होंगी, वहाँ पे फ़ोटोज़ होते हैं गारमेंट्स के, ये सब यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। फिर मैं आगे अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहता था। तो धीरे धीरे जैसे करके गुजारा हो रहा था, बट आपको पता ही है कि एक्सपेंसेस, रहना, खाना और खुद की नीड्स भी होती हैं। एज क्या थी तब आपकी? एज मेरी 2017 में, मैं 22 साल का था। ओके। और घर से कोई सपोर्ट मिलता नहीं था किसी चीज़ का, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबको ये बोल के आया था कि मैं कुछ बड़ा बन के ही आऊँगा। शायद वो मेरी गलती थी उस टाइम पे कि मैं घर से बोल के तो आ गया बट कुछ कर नहीं पा रहा था इतना। ना ही कोई इतनी इनकम थी, ना कुछ कोई प्लान था आपका कि मुझे किस रास्ते या डायरेक्शन में जाना है? ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बस ये सोचा था कि हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने या फिर जो मैंने और भी लोगों से बात की थी, कह रहे थे अच्छा पैसा होता है, तुम्हारा अच्छा नाम होगा, पैसा मिलेगा। बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि पर शूट के मेरे को 1500-2000 इस तरह से पैसे मिल जाते थे। ओके। और कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। मैं थिएटर भी ज्वाइन किया था, थिएटर के थ्रू मैं एक्टिंग भी सीख रहा था और उसका भी एक्सपेंसेस देने होते थे, थिएटर की फीस होती थी। तो मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए दिल्ली नोएडा में, और ऑडिशंस देने के बाद ज़्यादातर हर जगह से यही सुनाई देता कि नहीं, अभी आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने पहले कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है। क्योंकि वो लोग तो देख रहे थे कि कोई उन्हें अच्छी प्रोफाइल मिल जाए पहले से। तो मैं एक कास्टिंग एजेंसी में गया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ एज अ, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं, हम आपको एक सीरियल में, एक आजकल आपने सुना होगा कि ज़्यादातर उस टाइम पे भी क्रेज़ था कि OTT प्लेटफॉर्म्स लगभग आ चुके थे। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दिया, मेरा पूरा एक स्क्रीनिंग हुआ, टेस्ट हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका पोर्टफोलियो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया, आपकी फिजिक अच्छी है, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी वॉइस भी ठीक है, बट आपका हम एक प्रोफाइल बनाएंगे, पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, उसमें आपकी वीडियोस भी होंगी, फोटोज भी होंगे और आपका ग्रूमिंग सेशंस भी होंगे। उन्होंने मेरे से उसके 45,000 डिमांड की, बट मैं ऑलरेडी इतना लाचार था और पैसे की बहुत तंगी थी, तो मैं उनको मना करके आ गया। फिर अचानक एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया उसी कास्टिंग एजेंसी से, एक फीमेल ने कॉल किया, उन्होंने बात की मेरे से काफ़ी लंबे समय तक कॉल पर और बताया कि आप ये कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर मनी एक प्रॉब्लम है कि पैसे से आपको तंगी है, पैसे की दिक्कत है, तो उसके बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं कि आप किस तरह से पैसा भी अर्न कर लेंगे। फिर उन्होंने मुझे अपने दिल्ली ऑफिस बुलाया, मैं लगभग 3 से 4 दिन बाद गया था, और मैं ये सब आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और जैसे ही मैं उनसे मिला, मैं उनके ऑफिस पहुंचा, बिल्कुल ऐसे एक अराउंड 38-42 के बीच में उनकी एज रही होगी, मेकअप से लेके ज्वेलरीज और उनका ड्रेसिंग सेंस देख के मैं वैसे ही हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि लग ही रहा था कि वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। तो हमारी बातें हुई उनके साथ, मैं बैठा,
उन्होंने मेरी तारीफ़ करी मेरी फ़िज़िक के लिए, बोला कि गॉड गिफ्टेड है, आपकी फ़िज़िक काफ़ी अच्छी है, और मेरी वॉइस के बारे में तो हमेशा मुझसे कहा ही जाता था कि हाँ आपकी वॉइस काफ़ी मैच्योर है आपकी एज के हिसाब से। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मॉडलिंग उन्हीं के लिए अच्छी है जिनके लिए जिनकी अप्रोच है, जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है जो स्ट्रगलर्स हैं आपकी तरह, आपको एक पैसे का एक सोर्स पहले बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने सब कुछ बताया आपको? उन्होंने मुझे बुलाया ही इसलिए था, उन्होंने मुझसे बात ही इसलिए करी थी क्योंकि मनी वाली प्रॉब्लम को वो सोल्व कर सकें, और क्या पता उन्हें एक ऐसा मेरे जैसा एक आदमी चाहिए था या फिर जो उनके लिए काम कर सके। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी मैं कुछ मीटिंग्स कराऊंगी, कुछ फीमेल्स हैं उनसे, या फिर आपको विजिट करना पड़ेगा होटल्स में। मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्टली पहली ही बार में ये बता दिया कि हाँ आपको जाना पड़ेगा। और इसी बीच उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से डेली या फिर आप मंथली कमा सकते हैं, और इसी के अंदर आप अपनी पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लीजिएगा, साथ के साथ हमारे आपके अच्छे टर्म्स भी बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, पर सोच के बताने वाली बात तो दूर रही, फिर हमारी बातें ही होने लगीं हमारी कॉल्स पे चैट्स पे। एक तरह से हम दोनों ही एक रिलेशनशिप में आ गए। मैं उसे एक लव रिलेशनशिप तो नहीं बोलूँगा, एक फिज़िकल रिलेशनशिप। ये लगभग 2 से 3 हफ्तों में काफ़ी जल्दी हुआ सब कुछ, और एज भी उस टाइम इतनी यंग थी कि मैं कोई मेरे को सामने से अप्रोच कर रहा है तो मैं कैसे ही मना कर देता। तो फिर इन द एंड ये ही हुआ कि हमारा इतना क्लोज़ हो गए कि उन्होंने मेरे को सब कुछ फिर एंड में आके ये बताया कि अब तुम रेडी हो जाने के लिए। जब उन्होंने लगा कि हाँ मैं उनके साथ फिजिकल हुआ तो उन्हें लगा कि हाँ ये लड़का ठीक है, ये काम कर सकता है, उन्होंने मेरे को फर्स्ट मीटिंग पे भेजा। हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग? सो फर्स्ट मीटिंग ऐसी रही कि एक 5-star होटल में मेरे को बोला कि आपको वहाँ जाना है, मेरे को एक रूम नंबर बताया गया, इस रूम नंबर में आपको जाना है, और मेरे को पहले से ही सब चीज़ बता दी गई थी कि आपको प्रॉपर हाइजीनिक अपना सब कुछ क्लीन शेव्ड, इवन बॉडी डिओड्रेंट्स परफ्यूम्स आपका मॉइस्चराइजर कि आपको अपना पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज भी करके जाना है, वेल लुकिंग लगने चाहिए, आपके हेयर्स अच्छे से ग्रूम होने चाहिए। और रही पेमेंट्स की बात कि उन्होंने जाते ही भी बोला कि मेरे को पेमेंट पहले ले लेना। कितनी पेमेंट्स आपको लेनी थी? मेरे को फर्स्ट मीटिंग के लिए मेरे को 10,000 मिले थे, जिसमें कि मेरे को हाफ स्प्लिट करके उनको देना था। किनको? जो जिनके थ्रू मैं गया था, एजेंट। आप हाँ एजेंट कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि मैं समझ गया था कि हाँ एक एजेंट हैं, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी लड़के थे जो काम कर रहे थे उनके लिए, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि हाँ उनके पास दिल्ली NCR के अंदर ही कम से कम 250 से 300 ऐसे लोग हैं जो मीटिंग के लिए अपने पास मेरे जैसे लड़कों को बुलाते हैं, कस्टमर या क्लाइंट्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। जी हाँ कह सकते हैं ऐसा, और वो डायरेक्ट ही हमें सीधा या तो मेल स्कॉर्ट या फिर एक जिगलो के नाम से मुझे एक पहचान मिल गई थी उस दिन से। मैं मनी मन खुश भी था कि मेरे को इजी मनी मिल रहा है, कि एंजॉयमेंट भी है। आप सब जानते थे कि आप किस प्रोफेशन में क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जानते थे आप? जी हाँ मैं समझ ही गया था सब कुछ कि कोई पैसा फ्री में तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, और इस बारे में मैंने पहले सुना भी था कि हाँ ऐसा भी कुछ सर्विसेज होती हैं, लड़के भी जाते हैं। तो जो आपको फर्स्ट क्लाइंट मिला था वो कैसा था, कौन था? एक फीमेल ही थी, अराउंड 42 to 45 उनकी एज रही होगी, और लुकिंग वाइज अगर कहूँ तो बिलो एवरेज। मैं गया होटल में, उस रूम नंबर में पहुँचा, देखा तो मैंने पहले से ही वो काफ़ी टॉक्सिकेटेड थी, मतलब उन्होंने ड्रिंक्स ली हुई थी। ओके। और जाते ही उन्होंने मेरे को भी ड्रिंक ऑफर करी, पर मैंने बोला कि नहीं पहले आप मेरे को पेमेंट दे दीजिए। उन्होंने मेरे को कैश 10,000 रुपीज़ पे किए, और फिर मैंने भी उनके साथ ड्रिंक्स ली, और उसके बाद वो ऑलरेडी एक नाइट सूट में थे, और उन्होंने बोला चलो आ जाइए। फ्री होने के बाद सब चीज़ों से मेरे को एक टिप भी मिली, मैं उस टिप से और ज़्यादा खुश हो गया कि वो तो मेरी पर्सनल इनकम थी ही, जो मुझे 5,000 मिले थे उससे भी अलग, तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा अब तो सारे खर्चे आराम से निकल ही जाएंगे। तो इस पहली मीटिंग के बाद मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुका था। सो यू वर गेटिंग 5,000 फॉर एवरी मीटिंग स्टार्टिंग में? हाँ
स्टार्टिंग में मेरे को 5000 ही मिल रहे थे और प्लस वो टिप्स मिलती थी डिपेंडिंग कि मैं कैसा मैंने बिहेव किया, क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने के लिए बोला गया था कि आपको इमोशनली फिजिकली आपको क्लाइंट को सपोर्ट करना है। हाउ मेनी मीटिंग्स इन अ मंथ? अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 15 इजीली हो जाती थी। तो एवरेज इनकम एक महीने की कितनी होती थी आपकी? सर स्टार्टिंग में तो कम थी, 5000 प्लस 2-3000 एक्स्ट्रा मिल जाते थे। महीने की कितनी हो जाती थी? महीने की अराउंड 1.5। यस 1.5 लाख। ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट आप कमा रहे थे, इसके साथ साथ ऐसे काम से आपको कोई दिक्कतें नहीं थी? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस होता गया, मेरे को क्लाइंट भी उसी तरह के मिलने लगे, प्लस इसमें एल्कोहल तो था ही, ड्रग्स भी आ गया था। ओके। वो लोग ड्रग्स भी लेते थे और मेरे को भी। क्या ड्रग्स? इलीगल ड्रग्स? जी हाँ, जैसे कि आपका MDMA, कोकेन, ये सब वो लोग लेते थे, या पार्टी ड्रग्स हो गए आपके, कुछ सेक्स ड्रग्स भी होते हैं। तो उनके साथ साथ आप भी? मेरे को भी दिया जाता था क्योंकि मैं मना नहीं कर सकता था। मैं सर्विस देने गया हूँ और मेरे को बोला गया है कि आपको फुलफिलमेंट करना है हर चीज़ का। पहले क्लाइंट्स मिलते थे सिंगल फीमेल, बाद में वो क्लाइंट्स बढ़कर फिर मेल भी ऐड हो गए थे उसमें, कि लाइक मेल एंड फीमेल दोनों? जी हाँ। ओके, कपल? जी हाँ, एक कपल आप कह सकते हैं कि कपल भी ऐड हो गया था। और जैसा एक इंसिडेंट जो मेरे पास पहला हुआ था कि हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पहले हमने अल्कोहल ली, ड्रग्स किया, सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने बोला जाओ। वो सामने ही बैठे हुए थे, मैं थोड़ा सा चौंक गया कि ये इंसान ऐसे कैसे कह रहा है कि इसकी वाइफ सामने है और मुझसे बोल रहा है जाओ आप करिए। फिर मैंने बोला सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? उन्होंने भी मना कर दिया। वहाँ पर मैं थोड़ा सा एकदम से भौचक्का हो गया कि यार ये क्या होने लगा है। ये काफ़ी टाइम बाद की बात है, लगभग 1.5-2 महीना हो गया था मेरे को ये करते हुए। तो फिर उनके साथ होने के बाद वो मेल भी बोला कि अब मैं भी ज्वाइन करूँगा। ओके। जी, तो मैं तो बस मेरे एकदम से ही पसीना छूटने लगा कि क्या कह रहे हैं कि अभी ज्वाइन करेंगे का मतलब क्या होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम दोनों ही वाइफ के साथ करेंगे। ओके। तो जैसे आप नशा करने लगे, पहले भी आप नशा करते थे? नहीं, नशा पहले कभी कभार ओकेजनली मैं कर लेता था, बट इसके बाद मुझे ड्रग्स लेना, ये अल्कोहलिज्म, अगर मैं किसी दिन कहीं विजिट पे नहीं जा रहा हूँ, किसी क्लाइंट से नहीं मिल रहा हूँ, तो मैं खुद से ही नशा करने लग गया था। ये मेरी एक बहुत गंदी हैबिट बन चुकी थी, क्योंकि पैसे की तो दिक्कत थी नहीं। मैं अच्छी प्रॉपर्टी लेके रह रहा था रेंट पे ही। तो क्या ये सभी सर्विस आपको होटल रूम में देनी होती थी? प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी जाते थे, क्योंकि सारे ही अच्छे रिनाउंडेड लोग होते थे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी होती थी, उनके रिजॉर्ट्स या फिर फार्म हाउस कह सकते हैं, मैं वहाँ भी जाता था। और कभी कभी मेरे को आउटिंग के लिए भी भेजा जाता था। आउटिंग कैसे? लाइक 2-3 लड़कियां हैं या लड़के हैं या ओनली फीमेल्स हैं, तो उनका मैं फ्रेंड बन के जाता था कि अगर वो किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी शादी में दूर जा रहे हैं, आउट स्टेशन जा रहे हैं, तो मेरे को एज अ फ्रेंड बना कर ले जाते थे और फिर रात में मुझे सबके साथ फिर अलग अलग या फिर एक साथ टाइम स्पेंड करना होता था। क्या वो वीडियोज़ भी बनाते थे? सर रही बात वीडियोस की, अगर वीडियोस कोई इंसान बना लेता था, आपको पता होगा कि जब लोग टॉक्सिकेटेड होते हैं, नशे में होते हैं, तो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनसे हम मना भी करते थे, पर जो लोग नहीं मानते थे हम अपनी एजेंसी को कॉल करके इन्फॉर्म करते थे बाद में, ताकि अगले दिन उनका नशा टूटे, क्योंकि ये प्राइवेसी का खेल है सारा, उनकी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी, प्लस हमारी एजेंसी की प्राइवेसी, अगर यही भंग हो जाएगी तो सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो सब डिलीट करवाया जाता था। और रही बात एग्रेसिवनेस की, एग्रेसिवनेस में मैंने बोला तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि लोग इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, उन्होंने पैसे दिए हैं। फीमेल भी? जी हाँ। एक बार की मैं आपको बताऊं तो एक फीमेल ने मेरे ऊपर थूक भी दिया था। ओके। उन्होंने मुझसे कुछ करने के लिए बोला, मैंने उसको थोड़ा सा डिनाई किया, तो वो इतनी इंटॉक्सिकेटेड थी और गुस्से में थी कि उन्होंने मेरे मुंह पे ही थूक दिया।
और सर पैसा दिया है उन्होंने, तो ये समझ लेते कि हमारे कुत्ते हैं, कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेंगे, जिस तरह से वो ट्रीट करना चाहते हैं वैसे करेंगे। इवन लोग हाथ भी उठाते थे। आपका क्या रिएक्शन होता था अगर आप पे कोई हाथ उठाता है? सर हम कुछ कर नहीं कर सकते, हमें तो पे कर दिया गया है ना, जाते ही पेमेंट ले ली गई है, हम क्या ही कर सकते हैं। प्लस अगर हम कुछ करना चाहें तो ये कोई लीगल काम तो है नहीं कि हम कुछ एक्शन ले इसके खिलाफ। वो सब लोग इतने रिनाउंडेड लोग और बड़े लोग होते थे कि उनके खिलाफ तो हम वैसे भी एक्शन नहीं ले सकते थे। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या लीगल रेमेडीज ऐसे टाइम पर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें। बताइए, आप आगे बताइए। तो इवन ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं, मगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा समय भी लगेगा, बट मैं कुछ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक वाक्या तो ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर यूरिनेट भी किया गया। मेल फीमेल? मेल। और तो ये मेल के साथ आपकी मीटिंग्स फिर रेगुलर हो गई कि होने लगी? जी हाँ, क्योंकि एक टाइम पर फिर जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था, मैं भी ये सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना कमा लूँ, जितना अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग होते थे वहाँ पैसा अच्छा मिलता था। आपने अपनी मंथली मुझे इनकम तो बताई 1 से 1.5 लाख, तो उनमें सेविंग्स क्या होती थी आपकी? सर जैसे जैसे काम बढ़ता गया आगे आगे, सेविंग्स का तो मत पूछिए, मैं एक अच्छे खासे पोर्श इलाके में रह भी रहा था जहाँ का मेरे को 15-20 हज़ार रुपये रेंट भी पड़ता था। दिल्ली के किस एरिया में? सर लाजपत नगर। ओके। और मेरा जिम के एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे को अपनी फिजिक को मेंटेन रखना था, मेरा खाने का खर्चा, प्लस मेरे गारमेंट्स जो मुझे कपड़े खरीदने होते थे, क्योंकि मेरे को हर बार विजिट पे एक अच्छे ही कपड़े पहन के जाने होते थे, प्लस परफ्यूम से लेके बॉडी केयर, तो मेरा खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता था, जिसमें कि मैं कुछ पैसा 10-20 हज़ार रुपये घर भेज सकता था। बस 10-20 हज़ार रुपये? 10-20 हज़ार, क्योंकि मेरा ही खर्चा इतना बैठ जाता था। मेडिसिन वगैरह भी आप लेते थे? सर जिम सप्लीमेंट्स तो होते ही थे, प्लस एक्स्ट्रा प्लेजर के लिए मेरे को मेडिसिन लेने पड़ते थे, क्योंकि ये डेली का ही हो गया था मेरा, क्योंकि मैं विजिट्स पे रोज ही जाने लगा था, तो मेरे को ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि एक टाइम पे बॉडी भी हमारी इतना काम नहीं कर पाती, तो मेरे को आप वाइग्रा और ये सब मेरे दिक्कते को दिक्कतें नहीं है इनसे अगर रेगुलर आप इनका कंजप्शन करते हैं? जी हाँ, दिक्कतें होती थी, काफ़ी ड्रेजीनेस होता था, मतलब एकदम से कि कभी कभी तो चक्कर भी आते थे, कि वीकनेस भी आने लगी थी धीरे धीरे। जिम भी कितना ही सपोर्ट करती, खाना पीना ही कितना ही सपोर्ट करता, क्योंकि इन टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्यों इतना कर रहे हो, बोला मैं क्या बोलता, मैंने बोला कि मेरे को मज़ा आता है। जी आप मतलब 1 से 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे थे और घर पर बस 10 से 20 हज़ार रुपये भेज पाते थे? सर छोटा छोटा। तो आपका जो गोल था कि आपको मनी सेव करनी है अपने फ्यूचर के लिए, तो वो तो आप नहीं कर पा रहे थे इससे? नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा था। जितने ज़्यादा इसमें, एक कहते हैं ना सर, डूल के ढोल सुहावने लगते हैं, वही हो रहा था मेरे खर्चे। लोग यही सोचते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 से 2 साल हम ये काम करेंगे यंग जनरेशन के, और 30 से 40 लाख 20 लाख रुपए अपनी जेब में होंगे, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। बट रियलिटी यही है, जब ऐसे प्रोफेशन में आप जाते हैं तो उसके साथ साथ जो एक्सपेंसिस आपके होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जी ये आपने बिल्कुल सच कहा, और एक्सपेंसेस तो ज़्यादा होते ही थे, प्लस अपनी खुद की हेल्थ का ज़्यादा नुकसान होने लगा था मुझे। मैं अल्कोहलिक हो गया था, मैं ड्रग्स भी लेता था, प्लस मुझे अपनी बॉडी की भी केयर करनी होती थी, और ऊपर से वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो मैं प्लेजर के लिए लेता था। तो देखने के लिए हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर ही था अच्छा आपका। जी वैसे आप खराब हो चुके थे ड्रग्स लेकर। जी हाँ, एक लंबे समय हो गया था मुझे करते हुए, तो मेरा शरीर एक तरह से जवाब देने लगा था कि हाँ। तो ये सब बातें आप अपने एजेंट को ही बताते थे कि ये दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? अगर मैं बताता तो मेरे को पैसा कैसे मिलता, मेरे को काम कैसे मिलता? आप डिपेंडेंट काफी ज्यादा हो चुके थे? मैं इस काम पे इतना डिपेंडेंट हो चुका था कि मैं इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। इवन मैं मॉडलिंग और इन सब में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरे को बस करियर खत्म हो चुका था, एक तरह से आप कह सकते हैं खत्म हो चुका था। मुझे तो लगा था कि मैं ये काम करके अपनी पोर्टफोलियो बना के आगे बढ़ूंगा, बट मैं इसी में ही फंसा रह गया, यही करने लगा और इसी में ही अटक गया। और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैंने खुद की भी एक छोटी सी एजेंसी आप कह सकते हैं कि खोल दी थी, मैं खुद भी एक एजेंट बन गया था, ताकि मेरे को एक परसेंटेज और कट मिल सके। तो लोगों को आप हायर करते थे इसमें? जी हाँ। कैसे करते थे, ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं करता था, ये आपकी मॉडलिंग एजेंसीज के थ्रू, कास्टिंग कंपनीज के थ्रू ही प्रोफाइल्स वहीं से मिल जाती थी, उन्हीं को कॉल करके उनसे। काफ़ी सारी, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे जी, काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो क्लब मेंबरशिप आपको देती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं,
एक पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको इसमें क्लाइंट्स देंगे। तो क्या सच्चाई है इनकी? सर ये सब बकवास है, ये सब फ्रॉड है, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि बिना आपको देखे, बिना आपको एक बार जज किए, बिना आपकी फिजिक देखे, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपको कोई कैसे हायर कर सकता है? क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी भी नीड्स होती हैं, उनको भी एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा चाहिए। वो आपको पेमेंट कर रहे हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा मिलेगा। जी हाँ, उम्मीद नहीं, वो पहले प्रोफाइल्स देखते हैं, सिलेक्ट करके तभी बंदे को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्ट बोला गया और मैं चला गया। तो हम ये माने जो भी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ये सब फेक हैं? जी हाँ, जो आपसे पहले पैसे ले लेते हैं। ये आपसे पहले पैसे लेंगे, और मैंने भी देखी है ऐसी वेबसाइट्स कि आपको ये बोला जाएगा कि आपको एक आईडी दे दी जाएगी। ऐसी कोई आईडी नहीं होती है, आपसे बिना मिले बिना पहचान करे आपकी आईडी बना देंगे। जी हाँ, 5,000 रुपए एज अ क्लब मेंबरशिप आपको देने हैं। ये सब फेक है, ये बिल्कुल फेक है, इस पे कभी भी आप भरोसा मत कीजिएगा। तो यंगस्टर्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसमें आपको ऐसे झांसा दिया जाता है कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इसके बाद हम आपको क्लाइंट्स देंगे, वहां से आपको 10,000 से 20,000 50,000 रुपए आप कमाओगे, तो ये सब फ्रॉड है। और इसका होता क्या है कि आप इसकी कंप्लेन भी नहीं करते, आप शर्माते हैं कि मैं अब कंप्लेन करने जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, इसलिए लोग छिप जाते हैं, इसका कुछ बताते नहीं। ये फ्रॉड भी 5,000 10,000 रुपए का होता है, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता कि आप पुलिस के पास जाएं। कितने साल आपने ये काम किया? अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल। तो इन 4 से 5 साल में कितनी सेविंग्स आपने किया? सेविंग्स तो बस वही हो पाई हैं जो मैंने घर भेजी हैं, जो कि अराउंड होंगे मैक्स टू मैक्स 7 से 8 लाख रुपए। बट मैंने खुद के ऊपर, खुद के ऐशोआराम के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करा, जो कि जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं बचा पाया। अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो आज मैं एक अच्छे खासे नाम भी होता, एक जॉब सिक्योरिटी होती और घर वाले भी खुश होते, और मैं भी एक मार्केट में, सोसाइटी में खड़ा हो सकता था। आज मेरे को ये डर लगता है कि कोई मेरे को कहीं पहचान ना ले, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द इंडिया ट्रैवल करा। सबसे पहले स्टार्टिंग में दिल्ली ही रहता था, फिर बाहर हर जगह आना जाना, और 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। मेरे खुद को शर्म आती है कोई मेरे को पहचान ना ले। खैर, इस बात से इतना डर नहीं लगता कि कोई पहचान ना ले, क्योंकि वो लोग भी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते ही। तो आप ये एक साल में भी तो कैलकुलेट कर सकते थे कि आपकी क्या इनकम है, क्या आप कमा पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, तो आपने ये 4 से 5 साल क्यों लगाए इसमें? इसके पीछे तो एक काफी बड़ा रहस्य भी है। वो जो हमसे बातें करी जाती थी स्टार्टिंग में, जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गया था उन लेडीज से, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे बारे में सब कुछ पता करा। जो आपका एजेंट थे? जी हाँ, मेरा फैमिली, मैं कहाँ रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे से रिलेशन बनाया था, और मुझे ये तो ये लगा था कि वो एंजॉयमेंट के लिए बना रहे हैं, बट उन्हें मेरे से सोर्स इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, सोर्सेज निकालने थे कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, कौन कैसे, क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है कि उनका कोई बंदा छोड़ के जाएगा। मैं कैलकुलेट तो कर चुका था कि मुझे निकलना है, बट मैं निकल नहीं पा रहा था। ब्लैकमेलिंग की जाती थी कि घर बता देंगे। अच्छा, आपसे डायरेक्ट बोलते थे वो घर बता देंगे? क्योंकि मैंने एक दो बार बोला भी था कि मेरे साथ जब कुछ इंसिडेंट हुए थे गलत, तो उसके बाद मैंने बोला भी था कि मुझे छोड़ना, मैं नहीं कर सकता, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ इज्जत है। तो बोला कि आप नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो ये हो सकता है कि आपको मार्केट में कहीं काम नहीं मिलेगा। अगर आप मॉडलिंग करना चाहेंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा हर जगह से, और इस काम में तो आप दोबारा आ भी नहीं पाओगे अगर आपने एक बार छोड़ा, और छोड़ने की तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपके घर इनडायरेक्ट, आपकी सारी पोर्टफोलियो, सारे आपकी चैट्स, जो मतलब मीठे तरीके से आपको पहला फुसला के पहले इन्फॉर्मेशन ले ली गई, उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे मेरे को ब्लैकमेल करके मेरे को इतने सालों तक रोका गया। वो इंसिडेंट भी आप शेयर करें जिसके बाद आपने मन बना लिया कि अब एक भी दिन आपको ये काम नहीं करना, और आपने हमारी टीम को कॉल किया। जैसे मैंने आपको बताया, परेशान तो मैं काफ़ी टाइम से था ही, मैं निकलना चाह रहा था, बट इंसिडेंट तो ऐसा ही था कि बस मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद आप भी यकीन ना कर पाए, बट आपने को मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी यकीन ना कर पाए। एक मेरे को इन हाउस पार्टी के लिए बुलाया गया, जिसमें कि 3 लड़कियाँ और 1 लड़का था। उसका मुझे पे आउट भी काफ़ी अच्छा मिला, जाते ही उन्होंने मेरे को सीधा 50,000 इन कैश दिए, और उन्होंने बोला कि और काम के बाद। तो मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा हाँ यार, पेमेंट तो अच्छा दिया उन्होंने, मतलब और काम के बाद, मतलब हाफ पेमेंट मेरा उस दिन मेरा पे आउट 50,000 था। उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा अगर अच्छा काम होगा तो और भी दिया जाएगा।
तो उन्होंने, हमारी नॉर्मल इन हाउस पार्टी थी तो हम सब एक तरह से अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ था, गाने चल रहे थे। बस पांच लोग आप, इसके अलावा भी नहीं? बस हम पांच ही लोग थे और कोई नहीं था। उन्होंने खाने पीने का सब इंतजाम पहले से करा हुआ था। इससे पहले भी उन लोगों से आप मीटिंग कर चुके हैं? नहीं, उनसे मेरी पहले कभी मीटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो तीन लड़कियां और एक लड़का मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग पहले ड्रिंक्स उनके साथ, जैसे वो कहें जिस हिसाब से वो ड्रिंक्स बना रहे थे हम ले रहे थे। फिर आधे घंटे बाद वो ड्रिंक्स से हटके उन्होंने अलग अलग तरह के नशे करने लगे, जैसे ड्रग्स हो गए, वो लाइंस मार रहे थे साथ के साथ। उन्होंने लाइंस तो मारी प्लस मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया गया। मैंने दो तीन के बाद मना भी किया कि नहीं, वो नहीं कर पाऊँगा, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को, पर जब मैंने, मुझे लगा कि अभी ज़्यादा हो रहा है तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, तो उनमें से एक लड़की ने मेरे को चांटा मार दिया। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस तो आपके साथ पहले भी हुआ है? ऐसा इतना बुरा नहीं कि एकदम से ही कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए कि एकदम से ही मार दे। हुए हैं इंसिडेंट्स, बट इस इंसिडेंट में कुछ और खासियत है जो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ऊपर क्या भी थी, कि मैं कितना ही परेशान हो गया था। मैं सोचता हूँ तो आज भी मैं परेशान रहता हूँ कि मैं क्यों ही इस काम में घुसा, क्यों ही मैं आया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके, अपने घर वालों की ना सुन के, और ये सोच के क्यों पैसा कमाऊँगा, नाम कमाऊँगा। डर सा लगता है उस दिन से कि हाँ, अभी लड़कों के साथ भी ऐसा हो सकता है। सॉरी, तो पानी, आप पानी। थैंक यू। तो हुआ ये कि जब उस लड़की ने चांटा मार दिया तो मैं मजबूर हो गया कि अब तो करना ही पड़ेगा, ये लोग अगर एग्रेसिव हो गए, नशे में हैं, तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को और नशा कराया और साथ में मेरे को कुछ टैबलेट्स भी, उन्होंने पता नहीं क्या लिया क्या नहीं लिया अपने जीप पे रख के, फिर मेरे को भी उन्होंने वो चीज़ रखवाई और साथ में एक मेरे को अलग से टैबलेट भी थी, बोला कि ये प्लेजर के लिए है, प्लेजर के लिए है, तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा नशे में हो चुका था, बट मुझे पता था कि हाँ क्या हो रहा है। मैं उस टैबलेट को खाने के कम 10-15 मिनट बाद मेरा ऐसा हो गया कि मैं, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ एक हेलुसिनेशंस टाइप में आप कहते हैं, मेरे को अजीब चीज़ें, गरीब चीज़ें दिख रही थी, बट मेरे को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो आपने सुना होगा कि मेल टॉयज आते हैं, प्लेजर और सेक्स टॉयज, उसमें से एक लड़की ने वो पहना और उसने मेरे साथ, शी स्टार्टेड रेपिंग। अब मैं अभी भी सोचते हुए भी वो कांपने लग जाता हूँ कि कोई लड़की कैसे कर सकती है ये। क्या एज होगी उनकी? अराउंड 26, 27 और 28, क्योंकि वो यंग एज के थे सब। मेल थोड़ा ज़्यादा था, वो अराउंड 34-35 होगा, पर लड़कियां बहुत ही कम एज की थी, और मैं उस कम एज की लड़की को देख के तो और ज़्यादा परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं बस ये सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। पहले तो वो लड़की उनमें से एक जिसने मेरे साथ ये करा, फिर बाद में वो लड़का भी जो मेल वहाँ था जी, उसने भी मेरे साथ, और ये प्रक्रिया कम से कम 2-3 घंटे तक चलती रही, और मैं बदहोशी की हालत में वहां पड़ा रहा और कुछ नहीं कर पाया, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। आप चिल्लाए नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि मैं हाथ भी नहीं हिला पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ और बस अंदर ही अंदर जूझ रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो इंसिडेंट को मैं जिंदगी में शायद ना भुला पाऊँ, और शायद उसी इंसिडेंट की वजह से मैं आप लोगों की मदद से बाहर निकल पाया, क्योंकि मेरे को जब होश आया अगले 18-20 घंटे बाद। 18 से 20 घंटे आपको लगे? जी, मैं उसके बाद, क्योंकि उन 2-3 घंटों में जब भी मेरे को हल्का सा होश आता या फिर मैं बॉडी हिलाने लायक होता तो मेरे को फिर से वो टैबलेट खिला देते हैं, ताकि मैं फिर से ऐसी न्यूट्रल हो जाऊं कि मैं पड़ा रहा हूं। मैं बदहवासी की हालत में उल्टा पड़ा रहा, मेरे साथ वो सब करते रहे जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, वो भी एक लड़के के साथ। 18-20 घंटे बाद मैंने उठते से पहले कॉल किया अपनी एजेंसी को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कि तुम नशे में होगे।
उन्होंने ना अपने ऊपर लिया ना उन क्लाइंट्स के ऊपर डाला, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम नशे में हो, तुम जाओ नेक्स्ट मीटिंग के लिए रेडी रहो। आपको भी सपोर्ट नहीं किया? मेरे को कुछ नहीं सपोर्ट दिया गया। तभी मैंने सोच लिया कि मैं या तो मरूंगा या यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही मैं अपने आप को मुंह दिखा नहीं सकता था कि मेरे साथ ये हो गया। मैं कैसे मार्केट में निकलता, मैं किसको क्या ही बताता, कि उन लोगों को तो पता होगा ही जो मेरी एजेंसी है, उनको तो पता होगा ही ये हुआ ये नहीं हुआ, बट वो मेरी सुन नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे। कितना भी मैंने उन्हें कॉल करके बोला, पर एक तरह से मेरे को इग्नोर भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसा आया कि अब हमारी टीम को आपने कॉल किया? यही सोचा था कि बस अब या तो मर जाऊंगा या तो जेल जाऊंगा, बट इस काम से बाहर निकलना है। YouTube पे सर्च करने लगा कि जेल का क्या होता है क्या नहीं होता है, अपने इस चीज़ के बारे में पढ़ने लगा कि कितने साल की जेल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सुसाइड से इस वजह से डर गया कि मेरी फैमिली भी तो है, जेल जाऊंगा तो उसका मतलब कि कुछ टाइम में हाथ हो जाऊंगा, अगर मर गया तो फिर उनका तो कोई नहीं है। फिर आपके बाप की वीडियोज़ देखी मैंने, फिर कॉल किया, आपके एसोसिएट से बात हुई, उन्होंने गाइड किया बताया, और फिर आपको सारी कहानी बताई है। उसके बाद इन्होंने हमें कॉल किया, उसके बाद मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मेरी डायरेक्ट इनके साथ कॉन्टेक्ट्स हुए, उसके बाद वहाँ मेडिकल कराया अपना। उसके साथ साथ काफ़ी सारी इंजरीज इनकी आई थी, इनके हेड में भी इंजरीज थी, जैसे इन्हें गिराया हो नशे में, जब ये बदहोश थे इन्हें गिराया हो, काफ़ी सारे पीछे भी इंजरीज थी, बैक पे इंजरीज थी। और 18 से 20 घंटे नशे में होने के कारण इनकी बॉडी ने जवाब दे दिया था। जब ये ऑफिस मिलना है तो मैं आपको बता नहीं सकता इनकी कंडीशन क्या थी। इसके बाद जब हमने इनकी पूरी कहानी जानी तो इन्हें डर था कि जो इनका एजेंट था वो इन्हें फंसा ना दे, क्योंकि अब ये खुद भी एजेंट प्लस सेक्स वर्कर ये दोनों काम कर रहे थे, तो एज अ एजेंट काम करने का काम, इस वजह से फंस ना जाए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसे केसेस, इसके अलावा आप कैसी भी परेशानी में फंसे हों और आपको लोग ब्लैकमेल करते हैं, तो पहला स्टेप आपका वही होगा कि आप उससे बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद रिजोल्यूशन देखें कि क्या वे आउट्स अवेलेबल हैं। जब इन्होंने सारी कहानी बताई तो हमें यह भी बताया था इनके साथ साथ इनके एजेंट की भी इसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं और वो इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपना भी डर होना चाहिए। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ली, एक मेल डिज़ाइन करा काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें सारे जो इनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे, उसके अलावा जो इनकी प्रीवियस चैट्स थी जिसमें इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उसके अलावा जब इन्हें कॉन्टैक्ट्स दिए जाते थे कि आपको इन एजेंट से मिलना है, वो सभी इन्फॉर्मेशन उन्हें मेल की इसके एजेंट को, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप करी। उसका तभी फ़ोन आया ये वेरीफाई करने के लिए क्या ये कहानी क्या ये सच में वहाँ पहुँच चुके हैं, क्या ये किसी लीगल हेल्प ले रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया, हमारी टीम ने बात करी और उन्हें पता चल गया कि हाँ अब ये किसी लॉयर के पास पहुंच चुके हैं और चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं अगर मैं ये स्टेप उठाती हूँ, इन्हें एक्सपोज करती हूँ। इस इंसिडेंट को 4 से 5 महीने हो चुके हैं, इनके और एजेंट के बीच में अब कोई बात नहीं है, उन्होंने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, एंड आई एम 100% श्योर कि वो इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनके साथ ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट्स की, फिर सब कुछ ओपन हो जाएगा और ये सब एक्सपोज हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन यंगस्टर्स को भी मैसेज देना चाहता हूं जो इस काम में आते हैं, उन्हें बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है, वो सोचते हैं वो काफ़ी सारे पैसे इसमें कमाएंगे और इसके अंदर आ जाते हैं, उनके लिए निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ मेरे साथ जो आए हैं इनको मैं थैंक यू बोलूँगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप फ्यूचर में ऐसा कुछ करें कि आपकी फैमिली आप पे प्राउड करे, और कभी भी इंसान लेट नहीं होता, जब आप करो तभी शुरुआत है, तो आप एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी अब करें, यही मनोकामना हमारी। बहुत धन्यवाद सर।